हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग आप सभी लोग के लिए बहुत नॉलेजेबल होगा और आज हम बात करेंगे मुकेश बाबा के बारे में, उनका पूरा लोकेशन के बारे में, जो हम जहां तक हम जुटा पाए हैं उनके दरबार में जाने का रास्ता और कैसे आप सभी लोग जा सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया आप बताइए कैसे हमें जाना है, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, तो आज हम इसके ही बारे में बात करेंगे। और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको तो नमस्कार हमारा, और जो भाई नहीं चैनल को सब्सक्राइब है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दे और साथ ही साथ आल पे कर दे ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जाता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाबा का लोकेशन पूरा हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को तो बता दें कि बाबा का जो नया दरबार ओपन हुआ है उसका नाम है समाज सेवा जन कल्याण मुकेश बाबा ट्रस्ट के नाम से। जी हाँ, बाबा का ट्रस्ट के नाम से लाइसेंस मिल गया है, परमिशन मिल गया है। और एक कहाँ हुआ है तो डुमियाबाद लोहरा गांव, आप सभी लोग देख सकते हैं डुमियाबाद लोहरा गाँव सुकृत सोनभद्र, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, जिला सोनभद्र है और सुकृत में ही ये पड़ता है लोहरा गांव। और यहाँ जाने का रास्ता बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया हम दिल्ली से हैं तो हम पलमुआ से हैं तो हम नेपाल से हैं, यहाँ हम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपके आस पास जो भी स्टेशन है अगर वहाँ से सोनभद्र के लिए अगर आपको मिल जाता है तो आप सोनभद्र स्टेशन के लिए पकड़ लीजिए, क्योंकि सोनभद्र जिस भी स्टेशन से हैं उस स्टेशन से आप सोनभद्र पहुँचिए, अगर सोनभद्र के लिए ट्रेन मिलती है तो सोनभद्र से आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। जी हाँ, 24 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, आप वहाँ जा सकते हैं लोहरा गाँव में। लोहरा गाँव सुकृत में है, सुकृत लोहरा गांव के आसपास के ही गांव हैं। हम आप सभी लोगों को कुछ बता देते हैं कि क्या है उसके आसपास के गांव। जैसे में सुकृत है, खान आजमपुर, आसपास के जो गांव हैं लोहरा गांव के, खान आजमपुर, धोटवा और तकिया मऊ दरगाह या तकिया मऊ सब्जी मंडी, तकिया सब्जी मंडी भी हैं, उसके आसपास आप जा सकते हैं। और इसका पिन नंबर हमें मिला हुआ है, जो लोहरा गांव का पिन नंबर पोस्ट ऑफिस वाला पिन होता है वो है 23-12-16, इसकी मदद से भी आप जा सकते हैं। कहीं कहीं 23-12-16 हैं तो कहीं कहीं 23-13-01 हैं, तो ये दो पिन नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इसके आधार पे भी आप सभी लोग पहुँच सकते हैं। और सबसे पहले इंडिया के अंदर किसी भी कोने से हैं आप, अगर आपको कहीं सोनभद्र की ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप सीधा पहुंचिए बनारस, बनारसी कैंट या पंडित दीनदयाल जिसे मुगल सराय के नाम से जानते हैं, वहां से आप ऑटो या बस पकड़िए। तो वहां से थोड़ा मतलब 61 से 62 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो वो रास्ता आप ऑटो की मदद से या बस की मदद से जा सकते हैं, जो आपको अहरौरा होते हुए पहाड़ियों के रास्ते से लेके जाएगा, वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और ये दो चार जो गांव हैं आसपास के, इन गांव का नाम भी आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप आसानी से वहां चले जाए। और बाबा का जो दरबार है 28 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, इसी 28 तारीख को उद्घाटन होगा। उसके बाद आप लोगों से मेरा एक ही विनती होगा कि आप लोग 28 तारीख के बाद 30 या 1 या 2 तारीख में जाइए तो आप बाबा का सही से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भी बहुत थक चुके हैं और उनका क्या कहते हैं दरबार बन रहा है, अभी बन के वो 28 तारीख को तैयार भी हो जाएगा, तो वहाँ बाबा का क्या नाम है ये है कि हम आशीर्वाद देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ के जाइए, जैसे कोई 30 तारीख को गया, कोई 1 तारीख को गया, तो इससे क्या होगा भीड़ भी कम होगी। और वहाँ भीड़ की तो कोई वो नहीं है क्योंकि बाबा का दरबार बहुत भव्य बना हुआ है और वहाँ गाड़ी भी खड़ी करने के लिए जगह भी है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए। भैया मैं आप सभी लोग से ये कह दूँ कि आज तक मैं भी सोनभद्र में नहीं गया हूँ, नाम सुना था
सोनभद्र में नहीं गया हूँ, नाम सुना था उस जगह पे गया हूँ, लेकिन अपने फैमिली के साथ में गया हूँ और अपने पर्सनल हम कभी नहीं गए हैं वहाँ। और जैसे सुकृत में उकृत के आसपास हम पहाड़ियों पे उधर था, वहाँ पे हम गए हैं। और ये कहाँ पड़ता है लोहरा गांव, आप सभी लोगों को मैं ये आपका सोनभद्र में इसका ब्लॉक और तहसील, कुछ भाई साहब बता रहे थे कि हमें पंचायत बताइए तहसील बताइए, तो तहसील है रॉबर्टगंज और डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र, स्टेट पड़ता है उत्तर प्रदेश। और लोहरा गांव है, जैसे हम लोग का कोई भी गांव होता है और वही वैसे ही आपका लोहरा गांव है। तो आप किसी से ऑटो वाले से बस वाले से आप आसानी से पूछ के जा सकते हैं, और गूगल मैप, अगर आपको पर्सनल गाड़ी से जाना है तो गूगल मैप से भी जा सकते हैं, या ऑटो में भी बैठेंगे तो आप गूगल मैप लगाइए, गूगल मैप आपको इंडिया के हर एक कोने में लेके जा सकता है। तो आप लोगों के लिए आसानी है कि आप सभी लोगों को इंडिया के कहीं भी किसी भी अंदर से आना होगा, किसी भी जगह से आना होगा, तो दो जगह के लिए ट्रेन हमेशा मिलेगी, एक बनारस कैंट के लिए और दूसरा पंडित दीनदयाल मतलब मुगल सराय के लिए, हमेशा आपको हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी वहाँ से भी, और जहाँ से आप चलेंगे वहाँ से भी, इस दो स्टेशन के लिए आपको हमेशा ट्रेन मिलेगी। हाँ, सोनभद्र के लिए मिल सके या ना मिले सके, अगर सोनभद्र के लिए मिल जाए तो आप लोगों के लिए बहुत उचित हो जाएगा, सोनभद्र में आप जाके वहाँ से आपको 23 से 24 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और आप लोहरा गाँव पूछ के जाइए, सुकृत, सुकृत एक चर्चित विलेज है, सुकृत आप वहाँ जा के पूछ सकते हैं कि लोहरा गांव कहाँ है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ कहाँ है, जैसे वहाँ जाते थे आप लोग सिकंदरपुर तो भभुआ का नाम पूछते थे तो वहाँ पहुँच जाते थे, बनारस में जो बाबा थे तो बनारस का नाम पूछते, मतलब जो चर्चित गांव है उसका नाम पकड़ के आप जाइए। वहां के जाने के बाद आपको आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी छोटा गांव है बड़ा गांव है वहां मिल जाएगा। और लोहरा गांव की मैं बात बताऊं तो 6500 पूरी जनसंख्या है वहां, जिसमें से 3500 कुछ जनसंख्या मैल में है और 3200 के आसपास, 3200 या 3000 के आसपास फीमेल में है। मतलब टोटल हम गूगल पे देख रहे थे कि 11000 के आसपास बच्चों बच्चे सब मिला के जनसंख्या है, तो मतलब देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से बड़ा ही गांव होगा, तो वो भी नाम चर्चित में होगा, लेकिन हम लोगों के बीच में पहला बार आया है। और वहाँ कि जितने भी जनसंख्या हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं, उन लोगों को भी हमारा प्रणाम, ताकि आप लोग बाबा को सहारा दिए और जो भी है आप लोग सपोर्ट कीजिए। और हम लोगों को भी जाना होगा तो हम लोग सीधा वहाँ से जाएंगे, हमें तो जब भी जाना होगा तो भाई हम फैमिली के साथ में ही जाएंगे और फैमिली को लेके ही जाएंगे, तो हमारे लिए तो आसान ही है कि हम तुरंत मैप लगाएंगे, मैप लगा के हम सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जिनको ट्रेन से जाना है या हमें भी ट्रेन से जाना होगा तो हम सीधा वहाँ पहुँचेंगे, बनारस पहुँचेंगे और बनारस से वहाँ पर। हमारे यहाँ से जो लोहरा गांव है वो कम से कम 150 के आसपास किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है, तो आप लोग अपना डिस्टेंस देख लीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और कितने दूर पे हैं बाबा, तो हम जा सकते हैं। बस आप लोग के लिए इतना ही, जो आप लोग सोच रहे थे कि हमें लोकेशन मिल जाए तो हम लोकेशन दे दिए। बाकी भाई एक और बात बता दे, कमेंट में मैं नंबर नहीं दे पाऊँगा, जिनके पास हमारा नंबर है वो सही है, क्योंकि अब हम किसी को नंबर नहीं दे पाएंगे, क्यों, नंबर देने से हमें बहुत परेशानी हो जा रही है, हमें इतना फ़ोन आ जा रहा है कि मत कहिए। इसीलिए हम आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी लोकेशन होगा, जो भी अपडेट होगा वो हम आप लोगों को देते रहेंगे, लेकिन जो हमसे गलती हुआ होगा उसके लिए सॉरी, और आप सभी लोग परेशान ना हो, हम कोई नंबर नहीं देंगे, जिनके पास है नंबर सही है, बाकी किसी को हम नंबर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नंबर देने से हमें परेशानी हो बढ़ जा रही है, हम इतना कॉल आ जा रहा है, कुछ अच्छे भी कॉल आ रहा है, कुछ ख़राब भी कॉल आ रहा है, तो इसके वजह से हम किसी को नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।